पेटीएम शेयर प्राइस। पेटीएम के शेयर की कीमत आज इसके 2150 रुपए के ऊपरी प्राइस बैंड से लगभग 70% कम है। भारतीय शेयर बाजारों में लिस्ट होने के बाद से ही 197 शेयरों में गिरावट आ रही है। हालांकि एनएसई पर 510 रुपए के लाइफ टाइम लो स्तर पर पहुंचने के बाद 197 शेयर की कीमत ने अपने पोजिशनल इन्वेस्टर्स को आशा की किरण दी और वापस उछाल दिया है। जेपी मॉर्गन ने दिया टारगेट। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के अनुसार पेटीएम शेयर की कीमत कुछ तेज उछाल देने के लिए तैयार है और मार्च 2023 के अंत तक यह 4 अंकों की कीमत हासिल कर सकती है। जेपी मॉर्गन शोध रिपोर्ट में कहा गया है पेटीएम के शेयर 1000 रुपए तक जा सकते हैं। ब्रोकरेज ने कहा पेटीएम भारत में अग्रणी फिनटेक हॉरिजॉन्टल है जिसने अपने सभी भुगतानों की तुलना में वाणिज्य और वित्तीय सेवाओं में मुद्रीकरण के अधिक स्रोत बनाए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भुगतान में डिवाइस मुद्रीकरण, वित्तीय सेवाओं की क्रॉस सेलिंग, टिकट वसूली और बढ़ते विज्ञापन मुद्रीकरण के कारण पेटीएम को अपने सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में मजबूत राजस्व वृद्धि देखने को मिलेगी। हम देखते हैं कि राजस्व F22-26 से 40% CAGR से बढ़ रहा है। यह भी पढ़ें, बोनस शेयर मिलने के बाद 1,00,000 का निवेश बढ़कर 71.61 लाख रुपए हुआ, निवेशक गदगद मिला, 7000% का रिटर्न। इप्पो से कमाई की थी उम्मीद। आपको बता दें कि पेटीएम का IPO जब आया तब उम्मीद जताई जा रही थी कि निवेशक इससे लाभ कमाएंगे, लेकिन निवेशकों की उम्मीदों को पेटीएम ने भी तोड़ दिया। 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर से कंपनी के शेयर 70% तक टूट चुके हैं।